पेरिस एक प्यारा सा शहर जो बहुत से ट्रैवलर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और ये फ्रांस की सबसे बड़ी सिटी है। फ्रांस एक यूरोपियन देश है और इसके पड़ोसी देश स्पेन, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं। पेरिस सिटी की पॉपुलेशन 21.5 लाख है और यहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन के लोग रहते हैं। पेरिस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश भी यहाँ के लोग समझ जाते हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है और एक यूरो के बदले आपको लगभग 85 रुपीस देने पड़ते हैं। पेरिस का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 3.5 घंटे पीछे चलता है। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट और सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस जाने के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट दिल्ली से मिलेगी और राउंड ट्रिप की फ्लाइट आपको 32,000 से 35,000 तक में मिल जाएगी, जबकि दिल्ली से पेरिस पहुंचने में आपको 12 से 13 घंटे लग सकते हैं। यहां के एयरपोर्ट का नाम चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट है। पेरिस घूमने के लिए आपको फ्रांस का वीजा लेना पड़ेगा। इसके लिए आप शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस वीजा की खास बात यह है कि आप इससे यूरोप की 26 कंट्रीज घूम सकते हैं। ये वीजा आपको लगभग 7200 रुपीस का पड़ेगा। पेरिस में घूमने की बात हो तो सबसे पहला नाम जिस टूरिस्ट प्लेस का आता है वो दुनिया भर में मशहूर है और वो है एफिल टावर। एफिल टावर जो कि पेरिस ही नहीं पूरे फ्रांस की शान है। एफिल टावर 1889 में बनी थी और इसका कंस्ट्रक्शन 2 साल में पूरा हुआ था। ये टावर 324 मीटर की है और अपने टाइम की सबसे टॉलेस्ट टावर थी। एफिल टावर के टॉप तक जाने की एंट्री टिकट 26 यूरो है, मतलब अप्रॉक्स 2200 रुपए। पेरिस में आपके लिए जो सबसे मजेदार चीज है वो है डिज्नीलैंड। जी हाँ, आप यहाँ पर डिज्नीलैंड भी घूम सकते हैं जो आपके लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा। डिज्नीलैंड की टिकट 5000 रुपए से लेके 20000 रुपए तक है, जिसमें आप एक दिन से लेके 4 दिन तक का टिकट ले सकते हैं। पेरिस की जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेस है उसका नाम है लोवरे म्यूजियम। ये म्यूजियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है और पेरिस का हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट भी है। इसी म्यूजियम में वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मोनालिसा की पेंटिंग भी है। इस म्यूजियम की एंट्री फीस 17 यूरो है, मतलब अप्रॉक्स 1450 रुपए। ये इंडिया गेट जैसे दिखने वाला गेट का नाम है आर्क डी ट्रायम्फी। जिस तरह इंडिया गेट को शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है, उसी तरह इस बिल्डिंग को भी वहां के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1836 में बनाया गया था। इस गेट में आप टॉप पर भी जा सकते हैं, जिसकी एंट्री टिकट 13 यूरो है, मतलब अप्रॉक्स 1100 रुपए। पेरिस में रिवर भी है जिसका नाम है सीन रिवर और खास बात यह है कि आप इसमें रिवर क्रूज में बैठ के एक शानदार लंच या डिनर पेरिस की खूबसूरती को देखते हुए कर सकते हैं। अगर आप इस क्रूज में कुछ देर के लिए घूमना चाहते हैं तो केवल 1000 रुपए में घूम सकते हैं, पर अगर लंच या डिनर करना चाहते हैं तो एक पर्सन का अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग 3000 रुपए से लेके 10000 रुपए तक लग सकता है। पेरिस घूमने के लिए आप ओपन बस टूर भी कर सकते हैं, जिससे आप पेरिस के सभी मेन टूरिस्ट स्पॉट एक दिन में कवर कर सकते हैं और इसके लिए आपको 1500 रुपीस देने पड़ेंगे। लेकिन थोड़ा अच्छे से घूमना है तो 3000 से 4000 रुपए तक भी लग सकता है। यहाँ पर अगर आप एक
नान रोटी भी लेते हैं तो आपको 2 से 3 यूरो मतलब अप्रॉक्स 170 से 250 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और अगर एक दाल भी लेते हैं तो 7 से 10 यूरो मतलब 600 रुपए से लेके 850 रुपए तक का मिल सकता है। जबकि एक बाउल राइस भी अगर आप रेस्टोरेंट में लेते हैं तो 4 से 6 यूरो मतलब 350 से 500 रुपए तक का आपको मिल सकता है। पेरिस से चाहे तो मॉन्ट सेंट मिशेल की ट्रिप भी कर सकते हैं जो कि एक टाइडल आइलैंड है और आपको यहां आकर अलग ही एक्सपीरियंस होगा। इस ट्रिप के लिए आपको लगभग 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पेरिस में और भी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे लग्जमबर्ग गार्डन, पैलेस ऑफ वर्साइलिस, चैम डी मार्स और ट्रेसिड्रो गार्डन्स, पर इनके अलावा भी काफी टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर हैं। यहाँ पर टैक्सी का बेस फेयर 5 यूरो है मतलब टैक्सी में बैठते ही 425 रुपए लग जाते हैं, जबकि पर किलोमीटर के 1.5 यूरो मतलब 130 रुपए देने पड़ते हैं। पेरिस में मेट्रो की भी सर्विस है जिसकी एक सिंगल जर्नी का मिनिमम टिकट 1.90 यूरो मतलब अप्रॉक्स 160 रुपए का है। वैसे आप चाहें तो पेरिस विजिट ट्रैवल पास भी ले सकते हैं जिससे आप मेट्रो बस ट्राम में 5 दिन की अनलिमिटेड राइड 38 यूरो में कर सकते हैं मतलब लगभग 3200 रुपए में आप पूरे पेरिस में कहीं भी जा सकते हैं। कैथेड्रल नोट्री डेम डी पेरिस, ये एक चर्च है जो कि सीन रिवर के किनारे पर ही बसा है और टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है। ये चर्च काफी बड़ा है और इसके स्टोन्स पर काफी अच्छी नक्काशी की गई है। वैसे यहाँ की एंट्री तो फ्री है लेकिन अगर आप इसके टॉवर को विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8.5 यूरो मतलब लगभग 722 रुपए देने पड़ेंगे। पेरिस में होटल आपको 3,000 रुपए से 4,000 रुपए पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए मिल जाएगा, बट ये हॉस्टल टाइप का ही होगा, जबकि अच्छा होटल आपको 5,000 से लेके 10,000 रुपए पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए मिलेगा। पेरिस का मौसम हमेशा ही अच्छा होता है और यहाँ बारिश भी काफी कम होती है। नवंबर से मई यहाँ ठंड होती है जबकि जून से अक्टूबर का मंथ समर का माना जाता है और समर का मंथ ही यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम होता है। पेरिस घूमने के लिए 4 से 5 दिन काफी हैं और यहाँ मैं आपको 4 दिन का पेरिस का टूर बजट बताऊंगा। पेरिस घूमने का पर पर्सन का खर्चा 4 दिन का कुछ इस तरह से हो सकता है। होटल का यहाँ पर आपका 10,000 रुपए का टोटल 4 दिन का खर्चा हो सकता है क्योंकि 2 एडल्ट्स भी एक रूम में रहेंगे तो आपका 5,000 रुपए पर नाइट का भी अगर आप होटल लेते हैं तो 20,000 रुपए 4 दिन का होगा मतलब एक पर्सन पे 10,000 रुपए होटल का खर्चा आएगा, जबकि मील्स का आपका 3,000 रुपए पर डे का खर्चा हो सकता है मतलब 4 दिन का आपका 12,000 रुपए मील्स का खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन का आपका 10,000 रुपए का खर्चा हो सकता है, जबकि जो भी टूरिस्ट प्लेसेस पर आप घूमने जाएंगे वहाँ की अगर एंट्री फीस की बात करें तो टोटल आपका 20,000 रुपए का खर्चा आ सकता है। वीज़ा का आपका 7,200 रुपीज़ का खर्चा आएगा, फ्लाइट का 32,000 रुपीज़ और अदर खर्चे जैसे कि सिम कार्ड, पार्किंग और करेंसी एक्सचेंज का 5,000 रुपए। तो अप्रॉक्सीमेट आपका टोटल पर पर्सन कॉस्ट 4 दिन का 96,200 रुपीज़ आएगा। ये कॉस्ट कम या ज़्यादा भी लग सकती है। पेरिस का आप चाहे तो टूर पैकेज भी ले सकते हैं जो कि जनरली 3 दिन पेरिस का और 3 दिन स्विट्ज़रलैंड का मिलाकर मिलता है जिसमें होटल, फ्लाइट और ब्रेकफास्ट के साथ एयरपोर्ट ट्रांसफर्स इंक्लूड होते हैं। साथ ही कुछ टूर एक्टिविटी भी इंक्लूड होती है जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है, लेकिन इसमें लंच, डिनर और कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस इंक्लूड नहीं होती है।
तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।